नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर इस वक्त बहुत राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। दिल्ली के जो चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अब वो ईडी की हिरासत के बाद तिहाड़ जेल पहुंचा दिए गए अपने सही ठिकाने पर। वहीं जब वो तिहाड़ जेल गए तो इससे पहले उन्होंने खास तौर पे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो मैडम सीएम के नाम से जानी जाती थी, उनको पूरा पाठ पढ़ाया और उनको एक एक चीज ये समझा दी गई कि कब उनको क्या करना है। इसके बाद वो सुनीता केजरीवाल से बातें कर लेते हैं, मुलाकात का उनका आदेश है तो इस पर भी निर्देश देते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर दिल्ली के अंदर अब होगा क्या। दिल्ली के अंदर जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, बहुत जल्दी एलजीबी के सक्सेना सामने आएंगे और वो अरविंद केजरीवाल को सीएम के तौर पर देखने से ही मना कर देंगे। उनका आदेश होगा पार्टी को कानून सम्मत तरीके से चलाने के लिए। कोर्ट के अंदर आज दूसरी बार वो अर्जी खारिज हुई है, जो हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी मुख्यमंत्री के पद से केजरीवाल को हटाने के लिए। उसमें हाई कोर्ट ने फिर से कहा है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये एलजी का मसला है। और उसमें एक बात और जोड़ी है कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि हमें अखबारों से, मीडिया से पता चल रहा है कि एलजी दिल्ली की पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्दी वो जो कानून सम्मत फैसला होगा उसको लेंगे। यानी कि कोर्ट को भी इस बात की जानकारी है कि एलजी पूरे तरीके से नजर रखे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर, सरकार पर और तिहाड़ जेल पर, पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर। लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब संकट पैदा हो गया है, कानूनी संकट, तो वो एलजी जो वीके सक्सेना है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त कर देंगे और उसके बाद दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। इससे पहले जो एलजीवी के सक्सेना है वो ये भी मांगेंगे, पार्टी से अपना एक नया चेहरा मांगेंगे। लेकिन अब पार्टी में एक नया चेहरा और आ चुका है, एंट्री हो गई है, वो है संजय सिंह, जो अभी अभी तिहाड़ जेल से छूटकर आए हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, सुनीता केजरीवाल का लगभग तय है, लेकिन जो चल रहा है, जैसी चर्चाएं हैं उसके हिसाब से यही देखने में आ रहा है कि राजनीति के अंदर कोई किसी का नहीं होता है और समय आने पर अपना ही अपने को मारता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे अपनों के कत्ल किए। अब बता दें हम आपको कि हाई कोर्ट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिमांड और अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका फाइल की थी, उस याचिका पर अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, वो फैसला आया नहीं है। शायद इसका इंतजार एलजीवी के सक्सेना कर रहे। जैसे ही ये फैसला आता है, सबसे पहले एलजीवी के सक्सेना इस फैसले के बाद क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बिल्कुल मना कर दिया। और हम आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं, वो जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई है, जो याचिका लगाई गई है, वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर लगाई है, उसमें जमानत नहीं है, जमानत का कोई जिक्र नहीं। लेकिन एलजी जो कानून की जो चीजें हैं उन सबको समझ रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कई कानूनी जानकारों से वो अपना पूरा एकदम वो पहले से प्रिपेयर है और इस पर आगे की सलाह ले रही है। लेकिन जैसे ही इस कोर्ट का फैसला आएगा, यानी कि अगर कल आ जाए, कल परसों आ जाए परसों, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इस बात की संभावना आम आदमी पार्टी को भी पूरी पूरी हो चुकी है, इस बात का पूरा अंदेशा है आम आदमी पार्टी को। इसी बात को लेकर, इस अंदेशे को दूर करते हुए, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल को और उसके लोगों के द्वारा जो चोरी की गई है, जो लूट मचाई गई है, जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है, उसे लगातार उठा रहे हैं और उनके खिलाफ जो पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं या जो भी प्रचार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर,
वो सारा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर आज जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी मार्लिनो, वो आज चुनाव आयुक्त से मिली थी और उन्होंने वहां पर आपत्ति भी दर्ज कराई कि हमारे जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके का मिथक फैला रही है, झूठ फैला रही है, इस पर रोक लगाई जाए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जन जन तक लेके जाएगी, दिल्ली के सभी लोगों तक ये दर्द जन जन तक लेके जाएगी कि अरविंद केजरीवाल चोर है, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, अरविंद केजरीवाल के सारे नेता जेल के अंदर है, और खासतौर पर कोर्ट की चीजों को भी रखा जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से घबरा चुकी है। लेकिन इसमें जो भी हो, एलजी का रोल अभी आपको देखने को मिलेगा। एलजी इस पूरी स्टोरी के अंदर जो केजरीवाल की इनसाइड स्टोरी है, इस पूरी स्टोरी के अंदर एलजी वीके सक्सेना एक बहुत बड़े विलेन के रूप में उभरेंगे, और वो जब उभरेंगे तो पूरा पार्टी को तहस नहस कर देंगे। ये जो सारी कार्रवाई है, संभवतः बताया जा रहा, जो हमारे सोर्स बता रहे, या तो इस सप्ताह के अंत में या अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी, यानी कि अगले हफ्ते तक अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म और वो एक तिहाड़ के कैदी बनकर रह जाएंगे, जहां पर अगर उनको हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री के पद से, तो वो उनका मुकदमा भी लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, इस बात पर भी उंगली उठाई जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, और अगर ये हुआ तो बहुत जल्दी एलजीवी के सक्सेना अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म कर देंगे, यानी कि दिल्ली के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। ज्यादातर जो संभावना जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, लेकिन दूसरे नंबर पर संभावना ये भी है कि जो सुनीता केजरीवाल है वो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठती हुई दिखाई दे रही है, अगर पार्टी के अंदर बगावत नहीं होती है। ये सारा दिल्ली का जो पूरा एपिसोड है ये चल रहा है, और एलजीपी के सक्सेना कोर्ट की डिसीजन पर नजर रखे हुए लगातार, बहुत जल्दी जिस दिन वो अपना डिसीजन देंगे उस दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार खत्म हो जाएगी दिल्ली से। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।